करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले में आज लोकसभा चुनाव को लेकर जिला स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक स्थानीय प्रधान कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। बैठक में करौली धौलपुर लोकसभा टिकट का विरोध करने वाले बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा जिला स्तरीय कांग्रेस की बैठक में पहुँच गए। बैठक में जिले भर के कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता और कांग्रेस के तीनों विधायक रोहित बोहरा, गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस जनों को बूथ लेवल की जिम्मेदारी दी गई और हर कीमत पर संजय कुमार जाटव को जिताकर लोकसभा में भेजना है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार जिले के कार्यकर्ता संजय कुमार जाटव को टिकट दी है। बैठक के बाद कांग्रेसियों ने शहर भर में रोड शो निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगे। रोड शो के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार जाटव लोगों के पैर छूते हुए नजर आए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। करौली धौलपुर लोकसभा टिकट का विरोध करने वाले बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा जिला स्तरीय कांग्रेस की बैठक में पहुंच गए। मीडिया के सामने कांग्रेसी विधायक बैरवा के अभी भी बगावती तेवर दिखे। विधायक बैरवा ने समाज को कांग्रेस पार्टी से अधिक वरीयता दे डाली, लेकिन बाद में समाज और पार्टी दोनों को समान वरीयता देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के साथ कोई बगावत नहीं की है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आज़ादी के बाद से ही 1 सीट मेघवाल, 1 सीट बैरवा समाज और 1 जाटव समाज को दी जाती रही है। बैरवा समाज राजस्थान प्रदेश की 15 लोकसभा क्षेत्रों में असर डालता है। कांग्रेस पार्टी ने समाज के साथ उपेक्षा की है। आज मैं भी अपने समाज के साथ खड़ा हूँ। अगर समाज ने मुझे दबाव दिया तो समाज हित को रखूँगा, लेकिन बाद में मुकरते हुए कहा कि समाज के साथ पार्टी को भी देखूंगा। बैरवा ने कहा कि समाज अगर कहेगा कि कुएं में गिर जा तो मैं गिर जाऊंगा, सोचूंगा नहीं, समाज हित में कुछ भी करूंगा। पद आते जाते रहते हैं, लेकिन समाज सर्वोपरि है। जन प्रतिनिधि होने के नाते मैंने कांग्रेस पार्टी को अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। सर, आपने नाराजगी दिखाई थी जयपुर मुख्यमंत्री के पास जाके जिस तरह से टिकट का वितरण ठीक नहीं किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपके बगावती तेवर ये पार्टी? ये आपकी सोच हो सकती है कि बगावती तेवर, ये शब्द सही ढंग का नहीं लगा मेरे को। बेसिकली क्या है कि 25 लोकसभा सीट है और राजस्थान में एक जो संरचना है शेड्यूल कास्ट की, उसके तहत हमारी 4 सीटें रिजर्व हैं। उन 4 सीटों में 2 पश्चिम राजस्थान में, 2 पूर्व राजस्थान, और जो पहले से आज़ादी के बाद के जब से चुनाव हुए, जब से होता आया है कि एक सीट मेघवाल को, एक बैरवा को और एक जाटव को दी जाती रही है। अभी इससे पूर्व भी यही हुआ, 2009 में भी यही हुआ। अभी जो चुनावों के टिकट की बात हुई है उसमें बैरवा समाज जो बहुतायत में है और करीब 15 लोकसभा सीटों पर वो इफेक्ट डालता है, उसकी उपेक्षा की गई है। उस उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने आला कमान को, मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराया कि भाई इस समाज के साथ उपेक्षा हुई है, इसको समुचित को मिलना चाहिए। तो ये जो भी वर्किंग है वो केवल टिकट धौलपुर और बसेड़ी और उस करौली से रिलेटेड नहीं है, ये मैटर राजस्थान के रिलेटेड है। आपने ये बोला था कि मेरा समाज जो भी निर्णय लेगा मैं समाज के साथ जाऊंगा, आज भी मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। अगर समाज ने यह निर्णय कहा कि समुचित जवाब ठीक से नहीं मिला और सांत्वना नहीं दी गई समाज को, तो जो फैसला लेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आप पद से इस्तीफा दे सकते हैं? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जो मैं कह रहा हूँ कि जो समाज कहेगा कि तुमको कुएं में गिरना तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा। पद आते जाते रहते हैं, जब समाज की एक स्थिति है और उस पर कोई बात आ रही है, तो मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिंदा होने का सबूत दिया है कि मैं जिंदा हूं और मैं समाज के लिए बात खड़ी करने के लिए, चाहे मुझे नुकसान भी हो तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। आपका क्या निर्णय है सर? क्या निर्णय है? किस बात को लेकर? टिकट को लेकर। नहीं, टिकट को लेकर निर्णय क्या? मैंने तो कोई टिकट की बात ही नहीं की। सर, जो फैसला किया है कांग्रेस, मैंने टिकट को लेकर कभी बात ही नहीं की। न टिकट के लिए मैंने ये कहा कि ठीक है, न मैं कभी ये कहा गलत है। पार्टी का जो निर्णय है, ये आपका गलत सोच है या गलत आप कहना मैंने जो इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेटमेंट दिया था कि करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में बैरवा जाति को टिकट दिया जाता रहा है और बैरवा जाति से ही यहाँ सांसद बना है जो जी टिकट को निकाल सकता है। तो
ये बात है कि टिकट बैरवा कम्युनिटी के या बैरवा समाज को एक मिलना चाहिए, उसका संबंध इससे नहीं है। ये टिकट का नाम है जो आप करौली धौलपुर भी दे दीजिए, भरतपुर भी दे दीजिए, ये टिकट आप नागौर भी दे दीजिए, श्री गंगानगर भी दे दीजिए, और जो 6 सीटें हुई हैं उनमें से भी किसी को दे दीजिए व्यक्तिगत सीट के लिए। कुल मिलाकर के ये है कि आप समाज के साथ? कुल मिलाकर बात ये है कि मैं समाज के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ, दोनों के साथ, दोनों के साथ। और कोई बात? खिलाड़ी लाल बैरवा ने नाराजगी जाहिर की, मुख्यमंत्री से भी मिले तो आप उन्होंने बताया कि यहाँ पर धौलपुर जिले में कांग्रेस दो फाड़ है? नहीं, ये कोई फाड़ नहीं, सब एक है। और खिलाड़ी लाल बैरवा कहाँ जा रहे हो? बाबू के संग ही जाना पड़े वो विरोध किया तो बाकी विरोध तो भरका पर रहो है। विरोध तो हवाले में करता हूँ, मैं करे है कह रहो है पूरी पार्टी एक है, दोनों जिले के। अगर एक आदमी विरोध करे उससे क्या फर्क पड़ता है? और वो भी आ जाएगा, संघ कहीं भी नहीं जाएगा। तो खिलाड़ी लाल बैरवा आपके साथ है? और कौन के साथ रहेगा? पार्टी के साथ ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा खिलाड़ी लाल बैरवा? मैं तो ये करूँ आज ही दे, अच्छी बात है। अगर कोई देव अच्छा आता तो किस पर क्या फर्क पड़ता है? इस चीज से कांग्रेस कमेटी को टिकट को लेकर के जयपुर में मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरा समाज जो भी निर्णय लेगा मैं समाज के साथ हूँ और मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। आप जो ये बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। अभी खिलाड़ी लाल जी आपके बीच में यहाँ पधारेंगे, आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा। वो इस जिला कांग्रेस कमेटी के मीटिंग में भी आ रहे हैं। यदि ऐसी बात होती तो जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में नहीं आते ना, जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में भी आ रहे हैं। और ये जो सब मुद्दे थे, ये मुद्दे अब पुराने हो चुके हैं। हमारी टिकट, कांग्रेस की टिकट धौलपुर जिले से एक लड़के को मिल चुकी है। हम सब एकजुट होके पूरा समाज, सर्व समाज, 3600 समाज आज मिलकर इस लड़के को यहाँ से निकाल के देंगे। ये संजय जिस तरह से विरोध हुआ थी आपकी टिकट को लेके हुआ है, खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने इस्तेमाल की है, मुख्यमंत्री को जाके नाराजगी दिखाई है, तो चीज को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? कांग्रेस के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम सब एक हैं और सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय बैरवा जी हमारे साथ हैं, ऐसे कोई कांग्रेस के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई विरोध नहीं अपना। अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो आप क्या मानते हैं? बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाएगी, उनको पता है कि हाँ कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़ा किया वो मजबूत है, क्योंकि पूरी जो पूर्वी राजस्थान अपना जो संभाग है भरतपुर के अंदर यहाँ कांग्रेस की अच्छी मजबूत स्थिति है, तो बीजेपी को काफी सोच समझ के निर्णय ले रही है, लेकिन उनको प्रत्याशी मिल ही नहीं पा रहा है उनको। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सर मेरा मुद्दा क्षेत्र में जो भी अपना डेवलपमेंट में विकास, मतलब धौलपुर या करौली दोनों जिले पिछड़े हुए हैं, उन सभी का विकास का मुद्दा रहेगा। साथ ही जो हमारा आमान परिवर्तन गंगापुर धौलपुर परियोजना थी, उसका सबसे पहले मुद्दा मैं संसद में उठाऊंगा, यहाँ से आशीर्वाद मिला तो मुझे। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों एवं समुदाय मुखियाओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों एवं मुखियाओं द्वारा प्रशासन से अपने विचार साझा किए गए। कार्यशाला के प्रारंभ में सुप्र प्रभारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर शिवचरण मीणा ने प्रतिनिधियों से अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रख लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं 100% मतदान कर सफल बनाने की अपील की। उन्होंने सी विजिल ऐप का उपयोग कर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने में अपना योगदान देने तथा प्रत्येक मतदाता को धर्म, वर्ग, जाति से ऊपर उठकर लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान कराने तथा स्वयं करने की अपील प्रतिनिधियों से की। कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रतिनिधियों को मतदान शपथ दिलाई गई तथा आग्रह किया गया कि लोकसभा चुनाव में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर 100% मतदान के संकल्प को सफल बनाएं। इस अवसर पर स्वयं प्रकोष्ठ के दामोदर लाल मीना, उत्तम सिंह पीईओ, नरेश भारती, अजय कुमार तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षक अतुल चौहान उपस्थित रहे। लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान जिले से सीमावर्ती राज्यों की लगती सीमा पर निगरानी रखने के लिए विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के सीमावर्ती राज्य के मुरैना जिले के सबलगढ़ सब डिवीजन पर चम्बल नदी की लगी सीमा थाना सरमथरा क्षेत्र के मदनपुर के गांव काली तीर एवं शंकरपुर घाट से चम्बल नदी को पार करने के लिए चलाई जाने वाली नावों का अवलोकन किया जाए एवं आगरा जिले के जगनेर थाने से लगते हुए रास्तों सिहौली पर भी निगरानी रखी जाए। उन्होंने नाव संचालन को मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए।
चंबल नदी पर बनाए गए नाका पॉइंट के द्वारा 6 मई को होने वाले मतदान दिवस के दिन नाके सील किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने आबकारी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शराब की दुकानों का खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक है, उसी समय अवधि से खुलनी चाहिए। समय अवधि से पहले और बाद में शराब की दुकान खुली पाई जाने पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अवैध शराब परिवहन की नियमित जांच किया जाना सुनिश्चित करें। जिले में अवैध शराब कारोबार करने वाले व परिवहन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। नई दुकानों पर GPS लोकेशन का सर्वे करने के निर्देश दिए। 1 अप्रैल से शराब की नई दुकानों के संचालन करने के लिए जिस कारोबारी ने अपने आवेदन दुकान संचालन के लिए जो स्थान दिया गया है उसी स्थान पर चलनी चाहिए। दूसरी जगह चलाने वाले शराब दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। धौलपुर तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा का आयोजन 5 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 6 बजे मौनी सिद्ध की पवित्र गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। महेंद्र रामदास ने बताया कि चैत्र कृष्ण की देव पितृ का अमावस्या को तीर्थराज मचकुंड सरोवर में स्नान एवं परिक्रमा विशेष फलदायी होने के साथ साथ सरोवर में अपने पूर्वजों को तर्पण करने से पितृदोष दूर होते हैं। उन्होंने बताया कि परिक्रमा में धौलपुर जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। सैपऊ कस्बे के मलहला गांव में संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का समापन दिवस पर कथावाचक पंडित प्रताप नारायण शास्त्री के द्वारा भागवत कथा की महिमा में आज भगवान का जामवंत के साथ मल्लयुद्ध हुआ और 28 दिनों के बाद भगवान को जामवंत ने पराजय स्वीकार कर अपनी कन्या का पारिग्रहण भगवान के साथ किया। अंत में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण नाम जप की महिमा का बखान किया और सुदामा कृष्ण मित्रता का गुणगान किया। आज की कथा में सुदामा चरित्र के साथ भागवत कथा का समापन हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के मनसानुरूप लोकसभा आम चुनाव 2019 को भयमुक्त वातावरण में चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था संबंधी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में बुधवार को आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराकर धमकाकर एवं लालच देकर किसी पार्टी विशेष प्रत्याशी को मत देने के लिए कहता है तो ऐसे संभावित दबंग व्यक्तियों एवं अराजक तत्वों को गोपनीय ढंग से सूचीबद्ध कर लिया जाए तथा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि संबंधित क्षेत्रों में मतदान भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जा सके। उन्होंने बसेड़ी एवं सरमतरा उपखंड अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के मतदेय बूथों व्यापक निरीक्षण करके यह देखा जाए कि मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं है। वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मतदान दिवस के पूर्व ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। इस अवसर पर अलका बिश्नोई, जगदीश प्रसाद गुर्जर, भूपेंद्र तहसीलदार, अलका श्रीवास्तव, संजय सिंह रुल्लर, मनोज कुमार वर्मा सहित संबंधित विकास अधिकारी व थाना अधिकारी उपस्थित रहे।